मसाला डोसा और ये क्या छोले कुलचा, छोले कुलचा। अभी भेलपुरी ले रहे हैं भाई से हम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के लाल किला। वहां पर एक बहुत ही अच्छा उत्सव पर्व मनाया जा रहा है जो कि शुरू हुआ है 23 जनवरी से, और ये इस बार 9 दिनों के लिए चलेगा। पहले तो ये 6 दिनों के लिए ही चलता था, पर अभी क्योंकि लोगों ने इसको इतना पसंद किया जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और इसी साल से अब 6 दिन से 9 दिन करा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2016 में करी हुई थी, लेकिन अब हम लोग इसी बार गए हैं। हम लोग गए थे 27 को। तो फिर यह है जो फेस्टिवल है भारत पर्व, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आप नज़दीकी मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं, जो कि है एक लाल किला, एक जामा मस्जिद और चांदनी चौक। तो सबसे ज़्यादा पास वैसे जामा मस्जिद ही पड़ता है, उसी के सामने ही एकदम लगा हुआ है ये पर्व। और गेट नंबर 1 से जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी झांकियाँ लगाई हुई थी, जो भी 26 जनवरी की झांकियाँ थी उनमें से सभी स्टेट की एक एक यहाँ पर झांकी लगी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉल्स थे, वहाँ के खान पान की जितनी भी स्पेशलिटी होती है, वैरायटीज़ होती है, सभी चीज़ का एक एक स्टॉल लगा हुआ था। और उसके साथ साथ अलग सी जो भी इनकी लोक कृतियाँ की जो नृत्य होते हैं वो भी लगाई हुई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, एक एक करके आपको हर चीज़ दिखाएंगे। ये है झारखंड टूरिज्म, यहाँ पर झारखंड की जितने भी स्पेशलिटी थी उस चीज़ के बारे में बताया गया था। फिर आगे बढ़ते हम देखेंगे यहाँ पर कितनी अच्छी हिमाचल के कपड़े लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ था यहाँ पर, खान पान से लेकर पहनावे तक। यहाँ पर हर राज्य का एक नज़र आ रहा था, अपने ही आप में एक राज्य दिख रहा था। जितने भी छोटे छोटे टेंट लगाए थे सब अपने आप में एक राज्य की तरह नज़र आ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार ये 9 दिन तक चल रहा है, पर अगर आपसे हो सके तो आप ज़रूर जाइएगा। 31 जनवरी ये देखिए लद्दाख का यहाँ पर लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही अच्छी मूर्ति तैयार करी गई थी, यहाँ पर लोग आकर सामने से फोटो भी खींचे जा रहे थे। आपके डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर बना रखा है। ये वहाँ की सीनरी की फोटो है, रात के समय वहाँ का पानी, हर चीज़ की एक बहुत अच्छी फोटो। ये सब टूरिज्म का वहाँ पर नाम ले रहे फेस्टिवल्स। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो वहाँ पर, अगर आप पहुँच जाते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आप आराम से इंक्वायरी कर सकते हैं इनकी। साइड में मध्य प्रदेश का भी स्टॉल लगा हुआ था, ये उनका फेमस टाइम था। वहाँ पर चीता भी होते हैं, महाकाल, ग्वालियर का। पान कैसे दे रहे? ये पान 50 रुपये का, भोपाली पान है, 50 रुपये का, बहुत बढ़िया पान है। स्वाद तो लिख दीजिए, भोपाल का स्वाद तो लिख दीजिए, बहुत जबरदस्त पान है।
कुछ बोल रहे हैं सिपाही 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 में हेलो हेलो सिपाही वी आर फ्रॉम द हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया ओके थैंक यू मसाला डोसा और ये क्या छोले कुलचा ये मसाला डोसा ऐसे वाला खाएगा हम स्ट्रीट फूड वेंडर ऑफ इंडिया टेस्ट करेगा डोसा बड़ा और छोले कुलचा अभी बेलपुरी ले रहे हैं भाई साहब ₹50 प्लेट बोल रहे भाई पॉलिथीन में दे दो पैक कर दो भलपुरी ठीक है भाई सामोच भी दे दिया भाई हमारा तो अभी हम यहाँ पर जो भी रिपब्लिक डे की झांकियाँ थी अब झांकियाँ देखने के लिए आ गए हैं सबसे बेस्ट पार्ट खाने के बाद यही था तो अगर आप पहचान सकते हैं कि कौन सी झांकियाँ लगी हुई थी वहाँ की कौन सी स्टेट की तो आप देख सकते हैं चार पाँच सेकेंड पर गाड़ी क्रॉस कर लिया परेड रास्ता हाथी में डिजाइन देखे इन्होंने ये महल भी बनवाया है ब्रांड बेंगलुरु बहुत दूर है देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर भारतीय नौसेना कस्टमर कर रहे हैं ये भारतीय नौसेना की झांकी है और यहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल्स को लगा रखा है सब कैमरा से यहाँ तक शूट वुमेन इन द नेवी ऑल रैंक्स ऑल रोल्स जियो मैंने सब जो भी वो लोग काम करते हैं वो चीज़ दिखा रखी है किसी ने
ऐसे देखते देखते हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, रेडी वर्सेस एंड फ्यूचर फ्यूचर प्रूफ लिखा गया है। आंध्र प्रदेश की झांकी आ रही है। देखिए इनका थीम था पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई थीम था इनका और पढ़ाई से लेकर। इसी तरह हम आपको एक एक करके झांकियां दिखाते रहेंगे और आप देखते रहिए, पहचानते रहिए कि कौन सी झांकी है। आगे भी पर हमेशा डॉक्टर इंजीनियर सेफ नर्स इंजीनियर के। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एक डिज़ाइन जो है ये बुक के डिज़ाइन पर इन्होंने बनाया है और लिखा है। राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। कितना अच्छा इन्होंने इसको गिन चुना है। स्वास्थ्य चिकित्सक का नाम है। साइड में ये नब्स ब्रश वितरण लिखा गया है। मतलब ये एयरफोर्स की झांकी है। और ये वाली जो है ये चोला स्कल्पचर जो हमारे पुराने समय में एक डायनेस्टी थी चोला, उससे इंस्पायर है। ये तमिलनाडु की झांकी है। और तमिलनाडु के पीछे है मेघालय की झांकी। मेघालय का थीम बहुत अच्छा था, इनके पिंक फ्लावर्स को ये समर्पित था। देखिए इनकी पूरी झांकी कितनी सुंदर पिंक रंगीन लग रही है। और ये है धर्मपुर बेस्ट विलेज। ये राजस्थान की झांकी आ गई है। ऊंट को देखते ही समझ आ जाता है कि राजस्थान की ही झांकी है। और पीछे है लैवेंडर। ये शायद से सिक्किम की झांकी होगी क्योंकि लैवेंडर वाला थीम उनका था। पर्पल रेवोल्यूशन ये डिनोट कर रहे हैं पर्पल रेवोल्यूशन को। और अब आ गए हैं एकदम एंड की तरफ जहां पे झांकी खत्म हो गया है। हम कुछ कोई पर नहीं पसंद ये मेघालय। मेघालय जो फेमस पर्पल मेडल पर देखिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बीच बीच में से ओडिया में भी बात करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ओडिया कम्युनिटी के हैं। हम हिंदी में इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि सारे लोग, सारी जनता को समझ आए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। यह तमिलनाडु, तमिलनाडु रामेश्वरम। मैरिज चल रही है। मैरिज व्हाट वोटिंग मटका मतदान व्हाट वोटिंग। और ये झांकी जो आप देख रहे हैं
इसको पूरा फूल से ही बनाया और बैकग्राउंड में भी हमने गाने लगा रखे हैं। हर झांकी में अगर आप जैसे जैसे जाएंगे उस स्टेट की अपनी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटिंग आई वोट फॉर श्योर आपको देखा रहे इसके लिए तो भाई एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता है भारत पर्व मिनिस्टर ऑफ एक्शन आता है राजा राजू का समय रहो बस आए प्रजा का राज्य देखो तो हम अभी आपको दोबारा से सारी झांकियाँ दिखा दे रहे हैं वापस चाहते थे कि एक और झलक आप देख लें इन सभी की राजस्थान की इनमें जो उनकी जो खिड़कियां हैं उस पर ये कठपुतली डाल रखी है छोटी छोटी सी बहुत सुंदर सुंदर। अगर आपने परेड देखी होगी तो उस टाइम पे इन छोटी छोटी कठपुतलियों से उनसे नाच दिखवा रहे थे कठपुतली के जो नाच होते हैं डांस होता है कठपुतली का वो दिखा रहे थे। मोरिया दरबार बस्तर के आदमी के जन्म संसद और अभी हम आ गए हैं हमारे ओडिशा की झांकी में। हमने इस बार बहुत ही अच्छी झांकी बनाई थी। देखिए चारों तरफ वाइट वाली रंगोली जो हमारे यहाँ पर बनाते हैं उस तरफ से जगन्नाथ की पटके पर उनकी मूर्ति बना रखी है। का चक्रा बहुत सुंदर डिजाइन कलरफुल पैटर्न मध्य प्रदेश में यहाँ से वाला मध्य प्रदेश की झांकी आ गई है। अब तो मिलेट रहो प्यारी प्रोडक्ट सब एक्सप्लोर कर सकते मोदी अब है मिलेट का ही तो ठीक है दोस्तों ख़त्म हो गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। कैसी लगी वीडियो ये भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आगे और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाने की कोशिश करें और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे तरफ पर्व हो रहे हैं जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है हम उसको अटेंड करें और आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगैन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
कैसे दे रहे हैं? 60 का पैकेट। 60 का पैकेट। और लिट्टी चोखा कैसे दे रहे हैं? 100 का। हैं? 100। 100 में कितना आ रहा है? 100 रुपए। 2 ही आएगा। महाराष्ट्र टूर। दिल्ली पर्यटन, दिल्ली टूरिज्म। मणिपुर पर्यटन, लैंड ऑफ ज्वेल्स। जनवरी तक हो रहा है हर पर्व सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ सफर हिंदुस्तान का।